मांग है, वो उनकी जुनून है। सरकारी कर्मचारी जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं, उनका डीए 12% हो चुका है, लेकिन पिछली सरकार ने जितनी भी देनदारियां हैं और जितनी भी सरकारी कर्मचारियों की लाइबिलिटी है वो हम पर थोपी है। अपने 5 साल में जो अभी 10 महीनों में निकल कर जो मामले आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टो करेंसी का मामला है उस पर कोई गौर नहीं किया गया, जिसमें भर्ती घोटाला जो हमारा सोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का था उसमें कोई काम नहीं किया गया, पुलिस घोटाले में कोई काम नहीं किया गया, ये सब स्थितियां जो पैदा हुई है ये पिछली सरकार की जो व्यवस्था थी और उनकी जो आंख मूंद करके जो सरकार चलाई उसके कारण हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता, उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं, और जितने रिजल्ट जो सोर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए, और जो नया चयन योग था राज्य चयन योग उसको भी बना दिया गया है, और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियां शुरू हो गई है, पुलिस में 1200 के करीब भर्तियां शुरू की जा रही है, हमारे पैरामेडिकल जो पंप ऑपरेटर्स वगैरह है पैरा स्टाफ है उसमें 4500 के करीब भर्तियाँ की जा रही है। तो हमारी सरकार जो पिछली सरकार की जो घोटाले है उन पर उनको भी खोज रही है, और जो लोगों के पैसे फंसे उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, और पिछली सरकार सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट के माध्यम से भ्रामक बयानबाजी कर रही है। चाहे माइनिंग का 100 करोड़ का घोटाला है उसका वो पता लगा है कि कईयों के पास माइनिंग लीज ही नहीं है, कईयों के पास कंसेंट ऑफ ऑपरेशन नहीं था कि उसको चलाने की जो परमिशन देती हो पोल्यूशन डिपार्टमेंट वो ही नहीं था, कईयों का माइनिंग प्लान ही नहीं बना हुआ था, और इस तरह से वो जो घोटाला है वो अभी काफ़ी कुछ निकल रहा है। तो सारी चीज़ों की हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ये तो एक रावी बेसिन पर जो लापरवाही के कारण, माइनिंग डिपार्टमेंट की लापरवाही के कारण जो ये नुकसान हुआ है सरकार उसका भी अध्ययन कर रही है। सर, कारोबारी निशान की ओर से जो आरोप लगाए गए थे डीजीपी पर, आज उस मामले को लेकर सुनवाई है, किस तरह से सर आप देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि कोई गलत नहीं होना चाहिए, किसी पर ना गलत आरोप लगना चाहिए और ना किसी के साथ आरोपी के साथ गलत होना चाहिए। उसकी फैक्ट्स जब आएंगे तो चाहे कानून के सामने कोई मुख्यमंत्री हो कोई डीजीपी हो सब पर कार्रवाई संभव है, लेकिन अभी फैक्ट्स जो है वो सारे फैक्ट्स के पुलिस अध्ययन कर रही है। सर, विपक्ष कह रहा है कि 10,300 करोड़ का लोन ले लिया है और अभी तक देखिए 10,300 करोड़ का लोन तो भारत सरकार से दलाव ना, हम तो लेने को लिए तैयार बैठे हैं, हमको भूलो, हमारे को तो लिमिट ही उन्होंने 6,600 करोड़ की कर दी है। ओल्ड पेंशन के कारण उन्हें 1,780 करोड़ रुपये हमारे रोक दिए जो हमारे लोन में मिलना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया अगर लोन में इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कहा है कि 4,400 करोड़ रुपया लोन लिया है और हमारी लिमिट ही सिर्फ 6,600 करोड़ रुपया है, मतलब इस हमारी लिमिट ही 6,600 करोड़ रुपया, तो 10,000 करोड़ रुपया लोन कहाँ से ले लिया? ये जो हर महीने हम ले रहे हैं तो उसमें 4,400 करोड़ रुपया ही अभी तक लोन लिया है। अगर वो 10,000 करोड़ दिलाएंगे तो सरकार उसको लेने के लिए तैयार है। उसमें आप हमारा फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी के पास जाइए और हमें दिलाइए, हम तो मांग कर रहे हैं, मैंने तो चिट्ठी भी लिखी है कि दीजिए हमें। सर, उत्तराखंड जो टनल है उसमें हिमाचल का भी एक हमारे ये है कि वो मंडी का और जो हिमाचल के अलावा जो देश के और भी बेचारे वहाँ टनल में फंसे लोग हैं, श्रमिक है, सुपरवाइजर है, उन सब की सकुशल घर वापसी होनी चाहिए, काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं, और मुझे लगता है कि भारत सरकार और SJVNL और जो सड़क बनाने वाले हैं वो मेरे ख्याल आज या कल तक उन सब लोगों का सकुशल घर वापसी ला देंगे। सर, इसके अलावा जो विक्रम ठाकुर ने उन्होंने कहा है कि 100 करोड़ की बात की जा रही है, नहीं तो कोई अगर बोल रहा तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई ही देखा जाए और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है अब, और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अब पता लगी, और जो क्रेशर
कि जिसकी लीज पूरी है उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। कार्रवाई भी होगी, पेनल्टी? और देखिए, अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे, लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया कि 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर, आएगा जो देखिए 5 डेज वीक का भी मैंने आपको अपने भाषण में बता दिया, विचार करेंगे सारी चीज़ों को। कर्मचारी परिवार के सदस्य है, इसी सचिवालय से वो योजनाएं निकालते हैं, इसी सचिवालय से समाज के कल्याण की योजनाएं निकलती हैं, सबका सहयोग लेकर और आपके लोगों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है, सब प्रकार से हम इस पर आगे बढ़ेंगे।